नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका और ईरान के बीच अब सिर्फ तनाव नहीं है, दोनों देशों के बीच एक तरह का युद्ध छिड़ चुका है। अपने सबसे हाईटेक ड्रोन को मार गिराने से अमेरिका इतना बौखला गया कि उसने ईरान पर साइबर अटैक कर दिया। ये एक ऐसा हमला है जिसमें वो बम, गोले और खून का एक भी कतरा बहाए बिना ही ईरान को बेबस कर दे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने साइबर हमले के जरिए ईरानी सैन्य सिस्टम को तबाह कर दिया है और वो आगे भी ऐसे ही हमले करने की तैयारी कर रहा है। वहीं ईरान भी अब अमेरिका के हमले का जवाब इसी अंदाज में देने की तैयारी कर रहा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि अगर एक भी गोली चली तो वो आग लगा देगा। आखिर ईरान और अमेरिका के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या है दोनों देशों के बीच विवाद की असल वजह? आइए आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद की कहानी शुरू होती है साल 1953 से। इस दौरान ईरान में मोहम्मद मोसादेक की सरकार थी। मोसादेक ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से उनकी सरकार को गिरा दिया, जिसके बाद अमेरिका के समर्थन से मोहम्मद रजा पहलवी ने कमान संभाली। लेकिन ईरान के लोगों को ये बिल्कुल रास नहीं आया और वो सड़कों पर उतर गए। करीब 25 साल बाद 1989 में रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा, जिनके दो हफ्ते बाद देश निकाला झेल रहे इस्लामिक धर्मगुरु अयातुल्लाह खुमैनी देश वापस लौटे और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना। और इसी के साथ ईरान में 2500 साल से चली आ रही राजशाही खत्म हो गई। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका बौखला गया। कुछ ईरानी छात्र तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी में जबरन घुस गए और उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को बंधक बना लिया। इस घटना से अमेरिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। साल 1989 में यह पहली बार था जब ईरान को अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने ईरानी सामान का आयात बंद कर दिया। मार्च 1995 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी कंपनियों को ईरान के तेल, व्यापार और गैस में निवेश करने से रोक दिया। अमेरिका यही नहीं रुका, अप्रैल 1996 में अमेरिकी सरकार ने कानून पास किया और विदेशी कंपनियों के ईरान के एनर्जी सेक्टर में 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश पर बैन लगा दिया। साल 2002 में ईरान पर न्यूक्लियर हथियार डेवलप करने का आरोप लगा, हालांकि ईरान ने इसका खंडन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मुद्दे पर साल 2006 से 2010 के बीच ईरान पर 4 बार बैन लगाया। इस बैन में ईरान से हथियारों के निर्यात भी शामिल थे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान पर कई बैन लगाए। साल 2015 में चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA साइन किया, जिसमें ईरान ने सहमति दी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में बदलाव करेगा। यूएन, ईयू और अमेरिका उसके खिलाफ बैन हटाएंगे। लेकिन साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी। ट्रंप शुरू से ही ईरान पर प्रतिबंध लगाए रखने के हिमायती थे, इसलिए उन्होंने JCPOA से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाकी देशों ने इस बार अमेरिका का साथ नहीं दिया। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी की एक वजह सऊदी अरब भी है। दरअसल सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है, जबकि ईरान शिया बहुल। इन दोनों देशों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई में अमेरिका सऊदी अरब के साथ है, इसलिए भी वो ईरान पर सख्त रवैया अपनाता है। अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच पैदा हुआ ये तनाव कहां तक जाता है।